बिस्मिल्लैक्म जी आई एम बैक अगेन आपको बार बार बिस्मिल्लाह और अस्सलाम वालेकुम कहना सिर्फ़ इस वजह से मैं याद करवाता रहता हूँ कि हम कुछ नया सीखने वाले हैं अगेन आई नो कि इट्स ऑलरेडी बिन टू आवर्स फॉर दिस लेक्चर जो पिछले सेशनस के अंदर ओबियसली मैंने डिफरेंट रिकॉर्डिंग में आपको अपलोड भी कर दूंगा बाद में लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी हमने कवर करनी है वो हम आपके सामने लेके आने वाला हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है जी आपको आवाज मेरी ठीक आ रही होगी ओबियसली हो और यहां पे अब हम एक छोटी सी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि तस्वीर को डेटा के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है ठीक है आप लोगों को पता है एक्स क्या है और वाई क्या है एक्स और वाई आसानी के साथ आपको समझ आते हैं एक्सिस ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस इन ओपन सीवी या पाइथन या डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज में कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं उनका ओरिजिन होता है सबसे ऊपर वाला लेफ्ट कॉर्नर यहां से इनका ओरिजिन स्टार्ट होता है ठीक है और राइट right साइड पे जब हम मूव करेंगे और एक्स एक्सिस बोलते हैं उसको वाई एक्सिस बोलते हैं और ये सारे के सारे एक तस्वीर के पिग्जल होते हैं जो इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीर की फॉर्म में ये पिग्जल होते हैं मिसाल के तौर पे अगर मैं एक पॉइंट लगाऊं यहां पे इस तस्वीर के ऊपर कि मुझे इस पॉइंट की वैल्यू दें तो आप यहां से इधर आएंगे और यहां से इधर आएंगे और आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एक्स और वाई के इस जगह पे वो कोऑर्डिनेट्स यहां पे इन वैल्यूज को शो कर रहे होते हैं तो ये कौन सी वैल्यू है ठीक है और उन वैल्यूज के बेस पे हम आगे अपनी कंप्यूटर विजन या अपनी एग्जांपल्स को लेके चलते हैं ठीक है अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो तस्वीर है वो कितनी डेंस है कितने पिक्सल्स पर इंच है और वो किस तरीके से काम कर रही है हमारे पास नॉर्मल पाइथॉन के अंदर आप सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर इस तरीके से ले जाते हैं ओपन सीवी या कंप्यूटर विजन के अंदर हम ऊपर से नीचे को आते हैं अक्सर वो कात आपने देखा होगा क्योंकि तस्वीर हमारे पास जो होती है हम जब भी कोई चीज ड्रैग भी करते हैं क्रॉप भी करते हैं सो वी हैव फोर कॉर्नर्स उसका लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो है वो हमारे पास ओरिजिन का होता है सो so इस तरीके से हम डिफरेंट पॉइंट्स की वैल्यू को यहाँ से मैयर करके बता सकते हैं कि वहां पे कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अब डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन की एग्जाम्पल के अंदर अगर हम मूव करें तो यहाँ पे आपको समझ आएगी कि ये जितना भी अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है वो क्यों जरूरी था उसकी रीजन क्या पड़ी हमें उन चीजों को सीखने की डीप लर्निंग हमें हेल्थ केयर में भी यूज करते हैं मार्केटिंग में भी फेशियल रिकिग्नेशन में भी स्पीच रिकिग्निशन में भी हमारे पास चैट जीपीटी आ चुका है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ चुकी है एस ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग गूगल की रैंकिंग आपकी वेबसाइट सो ऑन एंड सो फोर ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के टूल्स को यूज कर रही हैं डीप का होने का मुराद क्या है डीप का होने का मुराद ये है कि वो अपने एल्गोरिथम से खुद ब खुद लर्न करता है और उसे अडेप्ट करके आगे चलता है ठीक है ये तस्वीर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाई कि सबसे पहले डीप लर्निंग है फिर मशीन लर्निंग है है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम्स और है, और ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन सारा का कुछ एक डेटा साइंस के फील्ड के अंदर आता है एल्गोरिथम्स क्या है ये ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन है कि क्या करना है मतलब जमा का निशान एक एल्गोरिथम है लैपटॉप के अंदर या आपके कैलकुलेटर के अंदर उसको पता है कि जब इधर वाली साइड पे कोई चीज आई और इधर वाली साइड पे कोई चीज आई तो इन दोनों को अप करना है वो जमा का निशान एक एल्गोरिथम की नोटेशन है इसी तरह डिवीजन का निशान इसी तरह बाकी चीजें एल्गोरिथम आपके ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन है ये सब कुछ डेटा साइंस के अंदर आता है और डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग ठीक है ये कल भी हमने इस पर बात की थी डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो एक फंक्शनल यूनिट है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर का ये मैंने काफी दफा ये तस्वीर आपके सामने रखी होगी आपकी नजरों से भी गुजरी होगी आपका दिमाग फौरन इन चीजों को देख के पहचान जाता है क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद है कि ये एक शर्ट है ये एक टाई है ये एक कोट है शूज है ये लेडीज शूज है ये एक शर्ट है अगेन ये पर्स है और ये एक जीन्स है या ट्राउजर है हम तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसे अपनी आंखों से हमें डेटा का पता है और सारा कुछ हमें समझते हैं हम किसी बच्चे को हम दिखाएंगे तो उसके लिए ये वाला शूज और ये वाला शूज सेम होगा किसी बड़े को दिखाएंगे फीमेल को दिखाएंगे तो उनका पहला शूज ये होगा ये दूसरा शूज उनके माइंड में आएगा ठीक है और इनका इस चीज का नाम भी उन्होंने कुछ और शायद रखा हो सो यूजली क्या होता है कि आपको जितना डेटा जिस किस्म का फीड किया जाता है आप उसकी बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं ये जो एग्जाम्पल है इस वक्त आपके सामने आठ किस्म की डिफरेंट क्लासेस दिखाई जा रही है एक डेटा की अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर इसको कैसे देखता है मैंने बड़ी डिटेल में आपको अभी कंप्यूटर विजन के बारे में बताया कि कंप्यूटर के पास कैमरा होता है या कंप्यूटर पिक्सल्स पर इंच की बेस पे वैल्यूज को देख रहा होता है कि एक पिग्जल में कौन सी वैल्यू है उसको बनाते 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 पूरी तस्वीर बनाता है वो ठीक है और हमें अगर हर पिग्जल की वैल्यू पता चल जाए एक्स और वाई एक्सिस की बेस पे तो हमें उस तस्वीर की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी विद द कंप्यूटर कंप्यूटर विजन भी यही कुछ करती है और डीप लर्निंग इसी तरीके से आप अगर कोई अननोन तस्वीर दें वो पिक्सल्स की वैल्यूज को मैच करके आपको डेटा बताती है कि ये तस्वीर एक डॉग की है कैट की है या ये एक बिस्किट है या ये एक शूज है या ये एक टाई है वो पिक्सल्स की वैल्यूज समझ के बताती है ई e कॉमर्स में मैंने कल आपको बताया था कि इस वक्त जितना पिक्सल्स की वैल्यूज और ये पिक्चर और प्रोडक्ट की वैल्यूज मैटर कर रही है शायद ही किसी फील्ड में कर रही हूँ कैसे वी विल सी नाउ हमें बहुत ज्यादा डेटा देना पड़ता है पहले मॉडल को ट्रेन करने के लिए फिर वो समझता है अच्छा अगर फ्लां फ्लां जगह पे दो सौ पचपन आएगा ब्लैक 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 होगा और बाकी जीरो आएगा देन वी कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमारे पास एक शू पड़ा हुआ है ठीक है यहाँ पे हमारे पास एक टाई पड़ी है कंप्यूटर पैटर्न को लर्न करता है कंप्यूटर को नहीं पता ये बूट है वो हमारी तरह देख के नहीं कहता कि ये बूट है ये शूज है वो कंप्यूटर पिक्सल्स पर इंच के अंदर पिक्सल्स के अंदर वैल्यूज को देखता okay. है ओके यहां पे ये एक डेटा है फैशन एम का डेटा फैशन एमस्ट क्या है ये ऑनलाइन डेटा सेट है जोलैंडो एक कंपनी है बेसिकली जर्मनी के अंदर बेस्ड है अगर किसी को नहीं पता तो आप फैशन एमस्ट लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि डेटा कहां से तो आपको ये डेटा मिल जाएगा जिसके अंदर टेन कैटेगरीज है टी शर्ट से लेके एंकल बूट तक टी शर्ट ट्राउजर पुल ओवर ड्रेस कोट सैंडल्स शर्ट बैग एंड एंकल स्निकल सेवेंटी हजार इमेजेस। और वो इमेजेस जो हैं, उनका साइज क्या है ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी एट ऑफ ईच इमेज साइज ट्वेंटी एट बाय ट्वेंटी एट का क्या मतलब है अगर इन दोनों को आप जरब दें तो उस इमेज का पूरा एक साइज बनता है ठीक है अब सत्तर के इमेजेस क्या ये इनफ है डेटा एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज करवाने के लिए अगेन वही आंसर है इनफ है बट इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ हाइपोथेसिस कि आप करना क्या चाहते हैं अब आप चेक करें दूर से देख के आपको पता चल रहा है कि कोर्ट आया तो इस तरह की कोई भी चीज आई उसमें तो वो कोट कंसिडर होगी टी शर्ट आई तो इस तरह की कोई भी चीज आई तो टी शर्ट कंसिडर होगी ठीक है और आप गौर करें कि कोट और टी शर्ट के अंदर बाजुओं का फर्क है छोटा मैन्यूट फर्क है और जहां पे बाजू आ रहे हैं उन पिक्सल्स के अंदर ब्लैक कलर की इमेज आ जाएगी कैसे अभी देखते हैं ये है आपके ट्राउजर ये है आपके एक हील शूज हील अब आप चेक करें कि जहां जहां पे ये कलर्स आ रहे हैं वहां वहां पे आपको डिफरेंट किस्म की वैल्यूज नजर आ रही होंगी ठीक है जहां पे प्लेन है वहां पे कोई 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 वैल्यूज इल्यूमिनेशन चीज नहीं नजर आ रही होगी ठीक है अब एंकल बोर्ड भी इसी तरीके से पैटर्न बना लेता है और ये भी ये हमें देख के लग रहा है कि यहां पर पैटर्न बना हुआ है इसका बट फॉर मशीन दीज आर वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ठीक है और उसकी बेस पे मशीन चेक करती है अब यहां पे अगर ये पिक्सल का साइज है तो हमें इतने बाइट्स चाहिए टू तो स्टोर एन इमेज सो so, यूजुअली आपकी मशीन इस तरीके से पैटर्न बनाती है और उसकी वैल्यू को स्टोर करती है ओके okay. अक्सर का होता है कि आप इस तरीके से वैल्यूज देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शूज है हमारे लिए ये भी शूज है ये भी शूज है ठीक है लेकिन दिस इज मच क्लियर अब मैंने आपको ओपन सीवी में बताया था कि ओरिजिन पॉइंट यहां से चलता है अगर आप डीप लर्निंग में चल रहे हैं या नॉर्मल आप डीप लर्निंग एलगोरिथम या अदर पाइथन की लाइब्रेरीज देख रहे हैं तो आपका ओरिजन यहां से चलेगा ठीक है फॉर दिस वन और यहां से चलेगा फॉर एक्स और वाई वैल्यूज ठीक है सो इट डिपेंड्स एट द एंड कंप्यूटर ऑलरेडी ये पैटर्न रीड कर रहा होता है जैसे उसको दिए गए हैं ठीक है अब आपके सामने ये वैल्यूज आ गई नाउ वी विल सी के इन इमेज को कंप्यूटर कैसे देखता है उससे पहले एक छोटी सी आपको पांच मिनट की असाइनमेंट ये है कि आप चेक करें कि फैशन एमिनिस्ट का डेटा जो है ये कितना बड़ा है? और क्या हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा या ये फ्लो के अंदर मौजूद है कितना बड़े कितने जीबीज या एमबीज का डेटा है मैंने आपको पीछे बता भी दिया इसका, कि 784 स्टोर है इसका यू नीड सेवन एटी फोर बाइट एन इमेज टोटल सत्तर के हैं मुझे एमबीएस या जीबीएस में बताइएगा यह बेसिक कैलकुलेशन है द वे एमिनिस्ट का नहीं देखना हमने फैशन एमिनिस्ट का देखना ये बात माइंड में रखिएगा क्योंकि एमिनिस्ट का डेटा डिफरेंट है फैशन एमिनिस्ट का डिफरेंट है ओके okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इज इट इजी टू ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क विद सेवेंटी के इमेजेस बिल्कुल फॉर नाउ इट्स नाइस डेटा सत्तर इमेजेस बहुत होती हैं फिर हमें डाउनलोड करने की जरूरत यह है कि हम कैरास से डायरेक्टली जैसे एस एन एस डॉट स्वीबॉन स्वीबॉन से जैसे हमने डाउनलोड किया था वैसे कर सकते हैं फैच कर सकते हैं ना हम डेटा को डायरेक्टली कैरास के थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा डेटा फैशन एमिस का डेटा कुछ इस तरीके से हम फैच करते हैं फॉर एग्जाम्पल टी एफ डॉट कैरास डॉट डेटा सेट डॉट फैशन एम डायरेक्ट लिखेंगे आपका डेटा इस तरीके से डिवाइडेड होता है जब आप इमेजेस का डेटा लेते हैं ट्रेन इमेजेस पहले आप डाउनलोड करते हैं फिर ट्रेन के लेबल्स होते हैं इमेजेस और उनके लेबल्स डेटा कैसे डिवाइड होता है आपके पास इमेजेस हैं, इमेजेस के कुछ नाम रखे होते हैं फिर उसका लेबल आ जाता है सेपरेट ठीक है फिर आपके पास टेस्ट इमेज है और टेस्ट का लेबल आ जाता है तो डेटा ऑलरेडी डिवाइडेड होता है समझ आ गई तो यहां पे 60 के इमेजेस होंगी सॉरी ये मेरा क्वेश्चन था

एस एन एस वाला लोड किया था उसको हमने खुद से डिवाइड किया था फिर साइकिल हम करते थे वहां पे टारगेट और लेबल्स टारगेट और फीचर्स होते थे हमारे पास ठीक है अब इसके बाद अगली चीज इस तरीके से इमेज होगी इस तरीके से लेबल होगा अब जो लोग शुरू से मेरे से क्वेश्चन करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम इनकोड क्यों करते हैं रीजन आपके सामने है, बहुत बड़ी दलील ट्राउजर को कुछ लोग ट्राउजर बोलते हैं कुछ लोग जीन्स कहते हैं कुछ लोग पेंट कहते हैं कुछ हॉज कहते हैं कुछ लंडेगी कहते हैं तो होता क्या है कि उन सभी के डिफरेंट नाम रखने को डिफरेंट लैंग्वेज में हर चीज का डिफरेंट नाम होता है लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वन ने वन नहीं रहना लिखा भी वैसे जाने। जो मर्जी आप उसकी नोटेशन uh, रख लें लेकिन एट दीरो वन जो है वो सभी को अंडरस्टूड होता है तो आप क्या करते हैं इस वजह से आप इसको लिख के रख लेते हैं अब जीरो वन लेबल्स हैं और इस तरीके से आप इसको इनकोड करके रखते हैं अगर आपके पास इनकोडेड वैल्यूज हैं दैट्स गुड कभी भी इमेजेस की इनकोडेड नहीं है तो उसे इनकोड जरूर करें पहले ठीक है ये लेबल डेटा है तो इस वजह से हमारे पास पहले से पता है जीरो वन लेकिन जिन्होंने ये डेटा बनाया है ना उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है सुपरवाइज डेटा इमेजेस के अंदर लेना बहुत मुश्किल है मतलब आप मशीन को खुद बता रहे हैं कि ये जो मैंने तस्वीर दी है ये एक शूज की है और किसी ने तो सत्तर के इमेजेस पे काम किया है ना समझ रहे हैं बात को कैसे काम किया है ई e कॉमर्स वाली एग्जाम्पल मैं दोबारा से लेके आ रहा हूं यहां पे दराज पे आप शू की कैटेगरी निकालें वहां से जितनी तस्वीरें हैं या आप चले जाएं अमेजोन पे तस्वीरें निकालें और उनका डेटा स्क्रैप कर लें कि इमेजेस जितनी आ रही हैं पब्लिकली अवेलेबल वो आ जाएं साथ में उन्हें शूज के कैटेगरी में डाल दो ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट योर ओन डेटा सेट फिर आप क्या करते हैं उसकी बेस पे आप कभी भी इंटरनेट पे डेटा को सर्च करें तो आपको शूज मिलते हैं ठीक है जैसे गूगल इमेज सर्च के इंजन के अंदर वो क्या कर रहे हैं वो उसी तरीके से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एलगोरेट हम रन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे लिखते हैं शूज तो वहां पे शूज ही आते हैं ठीक है और आपको आप शू आर्ट लिखते हैं तो वहां पे शू आर्ट आ जाती है वहां पे शू आइकन लिखेंगे आइकन आ जाएगा उसका सो दिस इज हाउ दे वर्क अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने देखना है खुद से आप अभी ना इसे लिखिएगा के तौर पे लेकिन आप मतलब अभी ना करिएगा असाइनमेंट ये, लेकिन ये लिख लें कि ए आई को रिमूव कैसे किया जाता है कौन कौन सी बाइसिस हैं एक मैंने आपको बता दी है कि इनकोडिंग करके हम करते हैं इनको रिमूव कि लैंग्वेज का बैरियर ही ना रहे मतलब अगर मैं उसको जीन्स कह देता तो जिस दुनिया में जींस बोला जाता है इसका मतलब हम उन्हें फेवर ठीक तो है में या के अंदर बाइसनेस को नहीं होना चाहिए। मतलब अभी मैं शूज को उठा के यहाँ पे कहने लग जाऊ जूती है ये मैं नाम भी जूती लिख दू तो किसी को क्या समझ आनी है तो वो बाइसनेस रिमूव करनी पड़ती है तो गूगल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर रिस्पॉन्सिबल ए आई प्रैक्टिस को जरूर पढ़िएगा एक दफा फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे ठीक है ये ब्रेक टाइम इसी वजह से रखा था मैं अभी चीजों को क्यों स्किप कर रहा हूं आपको बताने के लिए ये जो चीज है अब तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये क्या चल रहा है यहां पर ऐसे ही है लेट्स सी हमने सबसे पहले मॉडल केरास डॉट सिक्वेंशियल बनाया पहली लेयर में हमने इनपुट शेप दे दी अब वो जो शेप हमारी उस डायमेंशन में थी वो कौन सी थी जो हमने टिप्स के डेटा में डायमेंशन देखी थी हमने उसको सिक्स इनपुट शेप में रखा था क्यों वो सिक्स रखी थी हमने क्योंकि वहां पे डायमेंशन सिक्स थी हमारी ठीक है अब यहां पे हमारे पास इनपुट शेप ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी एट क्यों है क्योंकि हमारे पास एक इमेज की शेप आ रही है जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट हैं टू फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू ठीक है वहां पे हमारे लिए फीचर्स इंपॉर्टेंट थे सिर्फ फीचर्स की वैल्यूज इंपॉर्टेंट थी यहां पे हमारे पास इन दोनों से शेप से मिलके एक वैल्यू आएगी जो x और y को जहां पे कॉन्जुगेट होगा उस पिक्सल की वैल्यू इस वजह से हमने इसकी शेप ये रख दी अब फ्लैटन लेयर क्या करती है ये इनपुट शेप देती है ऑफ या इमेज साइज ऑफ द एज मेंशन इन द कंप्यूटर विजन यानी कि ये कन्वर्ट करेगी 28 28 बाय को एक लीनियर अरे में ठीक है ये जो इमेज होगी इसको एक लीनियर अरे के अंदर यानी कि 28 बाय 28 का जो भी हमारे पास वैल्यू आएंगे वो एक लीनियर अरे के अंदर चली जाएगी तो यहां पे हमने पिग्जल साइज ऑफ दैट इमेज रखना होता है अगर ये अट्ठाइस बाय अट्ठाइस की ना होती इमेजेस हमारे पास जो मैंने आपको पहले दिखाया ये होती बत्तीस बाय 32, 32 की तो आप इनको कन्वर्ट करते सभी को अट्ठाईस बाय 28 में और अदरवाइज आप यहां पे बत्तीस बाय बत्तीस रखते क्वेश्चन ये है कि बत्तीस और अट्ठाईस चार का फर्क है इसमें लेकिन जब इसको कंप्यूटेशन में लेके जाना था ना तो सत्तर के इमेजेस की हम बात कर रहे हैं तो इसने बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन रिसोर्सेज लेने थे अक्सर का लोग कहते हैं कि ये छोटी सी तस्वीर है ये तो वैसे ब्लर है कोई क्लियर तस्वीरें नहीं है भाई ये खुद की गई है, है।, ताकि हो जाए। है? तो अगर आप क्लियर इमेजेस को यहां पे लेंगे जिनकी पिक्सल की वैल्यू दो सौ बत्तीस दो सौ चौसठ सो, सो, सो फोर्थ है तो भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सिर्फ मॉडल ट्रेन करने में इस वजह से ये इमेजेस का साइज जो है रिड्यूस किया गया है ठीक है और अगर सारी की सारी इमेजेस का साइज सेम ना हो तो वो आपने सेम करना है दैट इज द प्री प्रोसेसिंग स्टेप फॉर की? आपने सारी की सारी इमेजेस को स्केल करना है उस साइज के अंदर वो प्री प्रोसेसिंग होगी इमेजेस की वो बाद में हम देखेंगे कैसे करने बट फॉर नाउ यहाँ पे इनपुट शेप आ गई ये फ्लैटन कर देगी एट पास कितनी क्लासेस हैं जी दस तो हमने दस यहां पे रख ली आपके न्यूरॉन्स की आउटपुट लेयर के अंदर बाकी जाहिर बात है जो हमारे पास इन हिडन लेयर है वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली ठीक हो गया तो यहां पे हम इमेजेस को रीशेप भी कर सकते हैं और यही कोडिंग का मजा है अगर कोई बंदा पुराने दौर का है और वो कैमरों पे इमेजेस बनाते हैं मेरे जैसे लोग जिनकी इमेजेस का आठ आठ दस दस एमबी की एक इमेज होती थी हार्ड डिस्क खराब हो जाता थी फिर एक सॉफ्टवेयर आता था जो इमेज को रिसाइज करता था और ऊपर अपना लोगो ठोक देते थे वो अगर कोडिंग तब आती हो ना तो ये सेकंड्स का काम है आज के दौर में सिर्फ आपने रीशेप की कमांड लगानी है देन यू कैन एक्चुअली रीशेप द इमेजेस और ये बेसिकली टेंसर टें डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज में भी हो जाता है काम तो ये इस तरीके से आपने ट्रेनिंग करनी है अब समझ आ गई किस तरीके से मॉडल बना आपका मॉडल के बाद आप इसको ट्रेन करेंगे इनके लेबल्स पे कौन से लेबल्स ये वाले ट्रेन लेबल्स ट्रेन इमेजेस और ट्रेन लेबल्स आपने ये दोनों वैल्यू देनी है सेम उसी तरीके से आपका कोड जो है वो रन कर जाएगा ये कुछ क्वेश्चन है आपने इसका एक स्क्रीन शॉट ले, ले लेना अभी और ये क्वेश्चन आपने कोशिश करने हैं हल करने की छोटा सा क्विज है मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने करना है जिन्होंने नहीं करना ना उनसे मैं मुखातिब ही नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने करना ही नहीं है जितना मर्जी हो उन्होंने कह दो ये असल में अब मैंने स्टार्ट किया है थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको दो तीन दिन बाद देने के लिए ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी होती रहे बाकी जिसने नहीं देना इंटरव्यू या जिसने नहीं तैयारी करनी है डोंट वांट टू टू से एनीथिंग देम देम बट फॉर जिन्होंने कुछ करना है ठीक है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अब 28 बाय 28 ये कैसे बनते हैं और कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर ठीक है ये सारी की सारी वैल्यूज आपको एक लेबल प्रोवाइड करती हैं एट द एंड जो क्लासिफाई कर देता है तो सारे का सारा काम आपका न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर आना आपको उसने ये शूज बना के नहीं दिखा देना यू विल हैव टू रिलाई ऑन द लेबल तो ये कैसे काम करता है वेट्स और बाइसनेस की बेस पे ये आपको मैं चीजें समझा दी इस वजह से मैं इसे स्किप करूंगा जितने भी आपके पास डिफरेंट किस्म की यहां पे वैल्यूज है वेट्स और की बेस पे वो आपको एक लेबल दे देता है विच इज सिमिलर टू द इक्वेशन जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देखी थी ठीक है अब होता क्या है जो हमने न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया था उसके अंदर कुछ किस्म की हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट लेते हैं कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर कौन कौन से फर्दर फंक्शन जो है वो काम कर सकते हैं और सुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क कैसे डिजाइन किया जाता है अगर आप कहते हैं तो मैं आगे चलूंगा वरना आपके चेहरे देख के मुझे लग रहा है कि आई शुड स्टॉप हेयर और मैं यहां से पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं